बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है। नाज़रीन, कोरोना की वबा की दूसरी लहर बढ़ रही है मुल्क के कोने कोने में। ख़तरा है कि कहीं स्कूल फिर बंद ना हो जाए। इस सिलसिले में मुराद रास ने खसूसी इंटरव्यू दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी लहर है, पूरी दुनिया में दोबारा ये सर उठा रही है। इस हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी की है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान साहब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, खदशा है कि सरमा में वबा की दूसरी लहर सर उठा सकती है। तमाम दफातर और तालीमी इदारे यकीनी बनाए कि सब लोग मास्क पहनेंगे। आप मुझे इतना बता दें कि कोरोना केसेस जो हैं वो कितने हो चुके हुए हैं इन दोनों जगहों पर, और साथ में हालात आपको किस तरह नजर आ रहे हैं कि क्या तमाम कॉलेजेस और स्कूल जो है वो अभी खुले रहेंगे या फिर उनको बंद करने की तरफ भी जा सकते हैं? मैं आपको जो मेरे पास लेटेस्ट नंबर थे वो बता देता हूँ। 70,000 प्लस हमने रैंडम टेस्ट किए, उसमें से 68,000 नेगेटिव आए और उसमें से 145 केसेस निकले। उन केसेस के अंदर टीचर्स भी हैं और उन केसेस के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं। नंबर वन डिस्ट्रिक्ट जो जा रही है केसेस के साथ वो गुजरांवाला है, नंबर टू ननकाना है, नंबर थ्री गुजरात। सो सब चीजें खुल चुकी हैं। जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है वो अब खुला है। 36,000 स्कूल तो हमारे प्राइमरी हैं जो गवर्नमेंट के हैं, इसके अलावा इसी तरह 20-30,000 प्राइवेट के लगा लें। सो ये सबसे बड़ा सेक्टर खुला है। इसका हमें पता लगेगा तकरीबन 15 अक्टूबर तक, दो हफ्ते तक पता लगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो जो अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, देयर आई मीन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इस साल हमें प्रॉब्लम आ रही है कोविड की वजह से। हमारे इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि अभी भी जब मैं जा रहा हूँ स्कूलों के अंदर देख रहा हूँ और मुझे जो बाहर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स तैयार नहीं हैं अभी बच्चों को भेजने के लिए। ये एक प्रोसेस है, इसमें से सिर्फ हम नहीं सारी दुनिया गुजर रही है, और एक दिस इज समथिंग वी ऑल हैव टू गो थ्रू राइट नाउ। सो इसलिए नाज़रीन, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, उसको प्रेस करें, और उसके साथ बेल का बटन भी है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, और एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। एक बार फिर कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, रेड बटन है उसको प्रेस करें, उसके साथ बेल का बटन है उसको भी प्रेस करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।